राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, विश्राम घाट में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर थे, तो वही ये मंदिर है। यहाँ पे शिव जी और का मंदिर था, बहुत ही छोटा सा मंदिर था पर बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे पूजा कर रही थी महिलाएं सब। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जिसमें कृष्ण भगवान अपने माता पिता के गोद में बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि कंस का वध करने के बाद ना कृष्ण जी इसी घाट पे आकर के थोड़ा देर विश्राम किए थे, इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। और वहाँ से विश्राम घाट से निकलने के बाद 10 कदम के थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो एक घर जैसा ही था, वहाँ पे मंदिर बना हुआ था। तो ये मंदिर में दीवारों पे देख सकते हैं धर्मराज के जो सभा होता है उसी बना हुआ है, उसी पे आधारित। जब मनुष्य अपना जो कर्म करते हैं उसी हिसाब से जो उनको फल मिलता है उसी के पे आधारित ये चित्र बना हुआ था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके। और फिर वहाँ से निकले तो हम लोग पहुँचे जन्मभूमि। तो जन्मभूमि भी बहुत ही बड़ा था अंदर में, तो अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउ था नहीं, इसलिए सिर्फ बाहर का ही वीडियो बनाए थे, तो आपको बाहर से ही दिखा देते हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ था, बहुत भीड़ था। और ये है मेन गेट जन्मभूमि अंदर जाने के लिए। अंदर में बहुत ही बड़ा एरिया था, अंदर घूमने का बहुत सारा चीज़ था। बहुत ही बड़ा मतलब महल टाइप का जो रहता है ना उस टाइप का था। तो कृष्ण जी का जन्म तो आप लोग सभी जानते हैं कि कारागाह में हुआ था, तो अंदर कारागाह भी बना हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा था। तो पहले तो हम लोगों ने अपना बैग और फ़ोन वगैरह जो भी था वो यहाँ पे जमा किए थे, और जूता चप्पल जो भी है सब इधर जमा हो रहा था, तो बैग के हिसाब से पैसा भी लग रहा था। तो हम लोग का तो छोटा बैग था, तो मुझे याद नहीं 4 रुपये शायद कुछ ऐसे ही लगा हुआ था। और जिस तरह से जिसका बैग मतलब बड़ा बैग है तो ज़्यादा पैसा लग रहा था। तो फिर हम लोग घर आए तो देखे कि घर पे भी बहुत मेहमान आए हुए थे। तो पहले जहाँ पे दीदी जीजा जी रहते थे ना वहीं पे ये लोग पड़ोसी थे, तो होली का दूसरा दिन था ना इसीलिए सब मिलने आए हुए थे। तो बस मिले, सबसे अच्छा लगा वहाँ के लोगों से मिल करके। तो हमने इडली बना हुआ था तो हम लोग पहले इडली वगैरह खा लिए, और एक हाथ की रोटी बनाई थी और मिर्चा का भुंजिया वो भी खाया, बहुत ही मज़ा आया था। ये जो डांस कर रही है ना यही बनाई थी हाथ की रोटी, जो कि रोटी होता है ना वो हाथ पे ही बनता है, बेलते नहीं है उसको, बस हाथ से ही ऐसी करके हाथ ही में सेकते हैं चूल्हे पे, तो उसी टाइप से बना हुआ था। तो हम लोग ने खाया और बहुत ही मज़ा आया खा करके। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना जब खा लिए पेट भर गया तो फिर इन लोगों के साथ डांस किया, बहुत ही मज़ा आया था। तो चलिए आप भी हमारे साथ डांस एंजॉय कीजिए और बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा वीडियो देख करके ही जाइएगा।
तो बस अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय।